खुला और मुबारात के बारे में डिस्कस करेंगे। खुला जैसे कि सब लोग जानते हैं कि खुला आम जो कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि वाइफ जो है वो शोहर से तलाक का मुतालबा करती है, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। मोहम्मद लॉ का सेक्शन 309 है, इसमें कहा गया अ मैरिज मे बी डिसऑर्ड नॉट ओनली बाय तलाक विच इज़ द आर्बिट्री एक्ट ऑफ द हस्बैंड बट आल्सो बाय एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। इसके तहत ये है कि सिर्फ जो शोहर है सिर्फ वही डिवोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ उसी का राइट नहीं है कि वो डिवोर्स करे या तलाक दे, बल्कि इसमें जो औरत है वो भी अगर चाहती है तलाक लेना तो वो तलाक ले सकती है। अब इसमें क्या होगा, ये एग्रीमेंट होगा बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, उस एग्रीमेंट के तहत जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय एग्रीमेंट मे टेक द फॉर्म ऑफ खुला और मुबारात। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, किन किन सूरतों में जो वाइफ है वो अगर नहीं रहना चाहती शोहर के साथ तो उसकी दो सूरतें हैं, एक खुला है दूसरी है मुबारात। अब सबसे पहले हम देखेंगे खुला के बारे में कि खुला क्या है। अब खुला जो है वो अ डिवोर्स बाय खुला इज़ अ डिवोर्स विद द कंसेंट एंड द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। अब जो खुला की जो है वो भी एक तलाक की एक किस्म है, लेकिन उसमें यह है कि जो औरत है वो शोहर से तलाक का मुतालबा करती है और वो कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसके बदले में तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अब उसको कहा जाएगा कंसिडरेशन, यानी कि वो चाहती है कि वो आदमी से छुटकारा पाए, उसके लिए कोई भी तरीका वो चाहती है, जो भी शोहर पसंद करता है उसका हक महर अगर वो छोड़ना चाहती है तो वो कहती है कि ठीक है मैं हक महर अपना छोड़ देती हूँ, या कोई दिगर वो तोहफा उसने लिया है या कोई दिगर प्रॉपर्टी है या कोई भी एडवांटेज जिसमें शोहर जो है वो रजामंद होता है और औरत की रजामंदी इसमें होती है, तो उसमें ये सूरत होती है कि औरत कहती है कि मैं ये चीज़ छोड़ देती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे शोहर से खुला चाहिए, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। ये भी तलाक की एक किस्म है, इसे हम कहते हैं खुला। इन सच अ केस द टर्म ऑफ द बार्गेन आर मैटर्स ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। अब इसमें जो मामला आते हैं शोहर और बीवी के दरमियान होते हैं कि अगर शोहर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं जो है इसमें मुत्तफिक हूँ तो दोनों के दरमियान जो है वो खुला हो जाता है, लेकिन इसका आगाज़ जो है वो औरत की तरफ से होगा। अ खुला डिवोर्स इज अफेक्टेड बाय एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ टू कंपनसेशन द हस्बैंड इफ ही रिलीजेस हर फ्रॉम हिज मैरिटल राइट एंड एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड ऑफ द ऑफर। अब इसमें यह है कि शोहर ने जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि खुला का जो काम है वो कम्प्लीट हो गया और उसमें खुला हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि औरत जो है वो अपना हक महर नहीं छोड़ना चाहती या कोई कंसिडरेशन अपनी नहीं देती, तो इसके बावजूद अगर वो खुला के लिए जाती है तो खुला का बहरहाल डिग्री जो है इसमें वो हो जाती है, लेकिन अगर शोहर जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो फौरी तौर पर फिर भी खुला हो जाएगा। और इस किस्म की जो तलाक होगी उसे हम तलाक बयान कहेंगे, और ये जो तलाक है इफेक्टिव हो जाएगी। उसका प्रोसीजर भी यही होगा कि जब तलाक हो जाएगी खुला ले लिया जाएगा, तो उसके लिए बाकायदा चेयरमैन यूनियन काउंसिल को एक उसकी कापी जो तलाक की जो दी जाएगी खुला लिया जाएगा, उस डीड की ऑर्डर की कापी जो है एक नोटिस की सूरत में भेजी जाएगी, एप्लीकेशन साहब उसकी लिखी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ कोर्ट से जो खुला वो ले लिया है, लिहाजा मेरी जो है इसको इफेक्टिव सर्टिफिकेट मोस्टरी सर्टिफिकेट जो है दिया जाए। और इसमें जो है उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ जो है कि खुला के बाद भी अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद खुला के बाद इद्दत नहीं है, लेकिन खुला के बाद भी इद्दत होगी और इद्दत का जो ख़र्चा है वो शोहर अदा करेगा। अगर बच्चे हैं तो उनका बच्चों का ख़र्चा भी शोहर ने अदा करना है, वो ये नहीं कह सकता कि औरत खुद ही मुझसे अलहदा हुई है लिहाजा इसने खुद ही खुला लिया है मैं इसे किसी किस्म का खर्चा नहीं दूँगा। शोहर इस किस्म की कोई भी प्ली नहीं ले सकता और ना ही वो ये कह सकता है कि मैंने इसका खर्चा इद्दत का नहीं देना। इद्दत का खर्चा भी मर्द ही अदा करेगा औरत को और बच्चों का खर्चा भी मर्द अदा करेगा, लेकिन बहरहाल औरत को इद्दत जो है वो पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जो लफ्ज़ एक और हमने देखा खुला के साथ है मुबारात। अब मुबारात क्या है, मुबारात इसका सब सेक्शन 3 है, 30 मोहम्मद लॉ में 309 का सब सेक्शन 3 है। अब मुबारात डिवोर्स द खुला इज़ अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई एग्रीमेंट। अब ये एक एग्रीमेंट के तहत शादी जो है डिसॉल्व कर दी जाती है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द डीड, लेकिन इन दोनों के दरमियान में फ़र्क है। अब ये हमने देखा कि मुबारात जो है खुला और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो एक एग्रीमेंट है इसमें क्या फ़र्क है। मुबारात ये है कि बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द डीड when the person is on the side of the wife and she desire a separation, the transaction is called खुला।
अब दो चीजें हैं, जब औरत कहती है कि मैंने शोहर से तलाक लेनी है तो उसे कहा जाएगा कि ये खुला है, लेकिन डाइवर्शन इज म्यूचुअल, जब दोनों तरफ से दोनों पार्टीज ये कहती हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा हम बाहमी रजामंदी से हम तलाक जो है लेना करना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये मुबारक है। अब क्या चीज़ हमने देखी कि खुला में ये है कि सिर्फ औरत वो चाहती है कि मैं शोहर से अलहदा हो जाऊँ, लिहाजा वो अलहदा होने के लिए वो कहती है कि अगर मुझे हक महर छोड़ना पड़ता है तो वो हक महर छोड़ देती है, या उसके बदले में शोहर अगर कोई और डिमांड उससे करता है, दोनों की बाहमी रजामंदी हो जाती है, शोहर बीवी कहती है कि मैं तुम्हें फलां चीज़ अदा दे देती हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं डिवोर्स चाहती हूँ, तो हो जाएगा खुला। अब अगर दोनों पार्टीज़ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, म्यूचुअल तौर पर कहते हैं कि हम दोनों रजामंद हैं इस चीज़ पर कि हमारी शादी को ख़त्म होना चाहिए, तो वो और हो जाएगा मुबारक। द ऑफर इन अ मुबारक डिवोर्स मे प्रोसीड फ्राम द वाइफ और इट मे प्रोसीड फ्राम द हस्बैंड, यानी कि ये औरत की तरफ से भी हो सकती है और मर्द की तरफ से भी हो सकती है, दोनों की तरफ से आगाज़ हो सकता है। शोहर भी कह सकता है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, बाकायदा तलाक देने की बजाय वो दोनों आपस में वो कहता है कि मैं नहीं रहना चाहता, औरत भी कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, दोनों का इसमें एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे कहा जाएगा ये मुबारक है। बट वंस इट इज़ एक्सेप्टेड, अब दोनों तरफ जब ये एक कह देता है कि मैं नहीं रहना चाहता, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो इसमें क्या होगा, द रिजोल्यूशन इज कम्प्लीटेड, तो जो शादी है वो डिजॉल्व हो जाएगी, उस रिजोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। एंड इट अपीयर्स एज अ तलाक ए बैन एज इन केस ऑफ द खुला, और खुला की तरह ये तलाक ए बैन हो जाएगी, ठीक है, तलाक ए बैन इसको कहेंगे, और उसके बाद तलाक ए बैन के बाद जैसे कि खुला में है उसी तरह इसमें भी होगा। और जैसे कि खुला में था कि इद्दत की जाएगी, इसी तरह मुबारात में भी औरत के ऊपर लाजमी है कि वो इद्दत करे, लेकिन इद्दत का खर्चा जो है वो आदमी अदा करेगा और बच्चों का खर्चा नामों का भी आदमी अदा करेगा, बल्कि वो बाउंड है कि लाजमी वो इद्दत का खर्चा औरत को अदा करे, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा बहरहाल उसने देना है और वो देगा, क्योंकि वो शरई तौर पर लीगली तौर पर उसके बच्चे हैं, लिहाजा उसका खर्चा उसने देना है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खुला और मुबारात की, खुला और मुबारात में जब होगा शादी, जब ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो खुला की सूरत में है या मुबारात की सूरत में है, दोनों सूरतों में शोहर ने बीवी को इद्दत का खर्चा अदा करना है, लेकिन उसके बाद की जो खर्चा है उसका आदमी जो है जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जब तक इद्दत का खर्चा तब तक और आदमी जो है खर्चा देगा। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अफेक्टेड थ्रू खुला और मुबारात वाज नॉट रिवोकेबल, अब ये रिवोकेबल नहीं है, क्योंकि अगर खुला या मुबारात में जो डिग्री हो जाती है मैरिज इफेक्टिव हो जाती है थ्रू खुला, खुला के जरिए या मुबारात के जरिए जब जो है रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर वो रिवोकेबल नहीं होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ खुला एंड मुबारात, मुबारात और खुला का क्या इफेक्ट है, यानी अगर कोई शख्स कोई औरत जो है वो अगर खुला ले लेती है या कोई मुबारात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में मुबारात के जरिए डिवोर्स हो जाती है तो उसमें क्या होगा, इट इज़ अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अ डिवोर्स इफेक्टेड बाय मुता और मुबारात ऑपरेट एज ए लीज बाय द वाइफ ऑफ हर डॉटर, अब उसमें क्या होगा अगर वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई डिवोर्स वगैरह या डॉटर को छोड़ देती है तो फिर तो ठीक है, बट इट डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन ड्यूरिंग द इद्दत और द मेंटेन हिज चिल्ड्रन बाय हर, इसमें भी ये चीज़ बताई गई कि बेशक औरत जो है खुला के जरिए या मुबारात के जरिए डिवोर्स ले लेती है, अगर उनमें कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत तो उन्हें आपस में मिलकर तय कर लिया कि हाँ भाई क्या तरीक़ाकार होगा बच्चों के मामले में या बाकी पैसों के मामले में खर्चे के बारे में, उस हद तक ठीक है, अगर नहीं तो फिर इद्दत की हद तक जो भी मुनासिब होगा जो खर्चा है बीवी को इद्दत का देना होगा, इसके अलावा बच्चों को खर्चा नामनफ का बच्चों का भी अदा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स जो है जब वो कोई खातून जो है वो जाती है या कोई शख्स जो है वो अपनी बीवी के साथ कहता है कि मैं इसका नहीं रहना चाहता मुबारक की सूरत में, तो ये इस किस्म की जो तलाक हो जाएगी उसे हम कहेंगे कि ये तलाक जो है अब इफेक्टिव होने के बाद ये रिवोकेबल नहीं है, यानी कि दोबारा हम ये नहीं कह सकते, इसको हम रिवोक नहीं कर सकते। पहले आमतौर पर ये होता है कि तलाक जब मर्द जो है वो तलाक देता है, देने के बाद जब वो नोटिस भेजता ही नहीं कौंसल में, उसके बाद ये प्रोसीजर हो जाता है कि एक तलाक भेज देता है, उसके बाद दूसरी भेज देता है, तो दोनों शर्तों में ये हो जाता है कि वो
रिवोक कर सकता है, लेकिन ये जो हम खुला के सूरत में जब कोर्ट में जाते हैं या खुला की सूरत में तलाक दी जाती है तो उसमें ये ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाती है, तो इस किस्म की जो तलाक होती है वो रिवोकेबल नहीं होती। अब क्या हम ये देखते हैं कि कंसिडरेशन का, जब हम इसमें चीज़ जो बताई गई है कि कंसिडरेशन जो है खुला की सूरत में होगी, तो अब कंसिडरेशन में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसका हक महर भी हो सकता है, कोई दीगर अगर उसने गिफ्ट लिया तो वो भी हो सकता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि औरत कहे कहती है कि हाँ भाई ठीक है, मैं अगर ये मुझे मैं इसे हक महर छोड़ दे तो ये मुझे छोड़ दे, और रिजल्ट बताना ज़रूरी नहीं है कभी वो कहे कि हाँ भाई मैं जो है हक इतना इतनी इतनी अमाउंट थी लिहाजा ये चूँकि मैं इसको ये अमाउंट नहीं दूंगी तो लिहाजा डिवोर्स नहीं होगी। अगर वो अमाउंट नहीं भी देती कंसिडरेशन में, मनी नहीं भी देती उसको, या हक महर अपना नहीं देती, या कोई प्रॉपर्टी में नहीं देती, तो बहरहाल फिर भी सूरत में भी तलाक जो है वो हो जाएगी। अब ये पेपर्स में भी जब हम देखते हैं, जो स्टूडेंट्स पेपर देते हैं वहाँ पे भी जब होता है ये इसका मुबारात का और खुला का, तो वो ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये किस तरीके से हमने इसको करना है या इसमें क्या फ़र्क है। तो बेसिक जो चीज़ है, जो बेसिक मेन फ़र्क है इसमें यही है कि खुला जो है वो ऑप्शन है खातून की, औरत की, कि वो कहेगी कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती लिहाजा मैं तलाक ले रही हूँ। और तलाक को जब हम देखेंगे, तलाक का ये है कि वो तलाक का लफ्ज़ जब हम आमतौर पर यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि हस्बैंड ने औरत को तलाक दी, हम लफ्ज़ तलाक यूज़ कर लेते हैं। अब जब औरत कोई डिमांड करती है तो उसको हम कहते हैं कि सुलह है, यानी कि शादी को ख़त्म करने का, किसी कहती है कि मैं ख़त्म करती हूँ कोई भी कंसिडरेशन इसमें दे के, तो उसको हम कहेंगे खुला हो गया। अब मुबारात में क्या है कि कोई भी इसका आगाज़ कर सकता है, ख्वाह मर्द कहे या औरत कहे, दोनों कहें, लेकिन यह बाहमी रजामंदी से जब शादी जो है उसको डिजॉल्व कर देते हैं तो उसको कहा जाएगा कि ये मुबारात है। अब दोनों सूरतों में अब क्या है, हम देखते हैं कि खुला में भी यही चीज़ है कि खुला में भी जो है इधर वह होगी और ये रिवोकेबल है, और जो मुबारात है उसमें भी ये इरिवोकेबल है लेकिन इसमें भी इद्दत होगी, और बच्चे अगर हैं तो बच्चों का खर्चा देना होगा जो भी है, जब तक जो है इद्दत गुजारेगी तब तक इद्दत का खर्चा, उसके बाद औरत का खर्चा नहीं होगा, बल्कि औरत की मेंटेनेंस भी नहीं होगी उसके बाद, सिर्फ उस हद तक है जब जिस हद तक इद्दत होगी, इद्दत के बाद औरत का खर्चा ख़त्म हो जाएगा और बच्चों का खर्चा जो है वो तो ज़ाहिर बात है वो मर्द ने देना है क्योंकि वो मर्द के ज़िम्मे है। ये थी हमारी खुला और मुबारात के बारे में, इसके ऊपर मोस्टली जो है कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये जो लेती है क्या जो खुला जो है ये क्रूटिक के बना पर लिया जा सकता है या मेंटेनेंस ना देने के बना पर लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हम 1939 रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में बताई गई हैं, इनमें से कोई ग्राउंड भी चाहे तो औरत ले सकती है कि औरत मुझे जुल्म सितम करता है लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जब वो कोर्ट में जाती है या वो कहती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा, मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता, या अगर शोहर अगर काफ़ी अरसे से अगर लापता है, ये सारी सूरत हाल जो 1939 मैरिज एक्ट में है उनमें से किसी ग्राउंड में भी अगर औरत चाहती है कि मैं शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, उनमें से किसी को भी बेस बना सकती है। अब खुला का मेन मकसद क्या होता है, खुला में ये होता है कि आप किसी भी सूरत में होता है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अच्छा कोई ऐसी सूरत निकल आए कि औरत जो है अपने आदमी के साथ गुजारा कर ले, लेकिन इसमें खुला में ये है कि औरत इस हद तक वो हो जाती है अपने हस्बैंड से तंग आ जाती है या वो कहती है कि मैं किसी सूरत में भी नहीं रह सकती, वो जो हदूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं उन हदूद के अंदर रहते हुए वो अपने हकूक़ को पूरा नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो डिमांड करती है कि चूँकि मैं अब ये नहीं पूरा कर सकती लिहाजा मैं किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी शर्त हो जो कि हस्बैंड चाहे तो मैं उसके लिए इसको जो है ना करूँगी, शादी को ख़त्म कर दूँगी। अब इसमें जब कोर्ट में जाते हैं तो इसमें जो है कोर्ट जब इसको डिसाइड कर देती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कोर्ट जब डिसाइड कर देगी तो यूनिकोसल में जाना होगा। इसी तरह अगर शादी की कोई भी ऐसी सूरत है, ख्वाह तलाक की सूरत में, मुबारात की सूरत में या खुला की सूरत में है, तो इन सारी सूरतों के अंदर क्या होगा कि जो भी हो आया है उसकी इतला जो है वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को लाजमी देनी होगी एक नोटिस की सूरत में, और एप्लीकेशन लिख के साथ उसकी तफसील बतानी होगी नोटिस के साथ कि भाई मुबारात की सूरत में, खुला की सूरत में या बाकी जो तलाक दी गई उस सूरत में पूरी उसकी तफसील बताई जाएगी, और तफसील बताकर साथ उसकी बाकायदा तलाक की या खुला की जो डीड होगी उसकी या मुबारात की डीड होगी उसकी कापी लगानी होगी।
उसके बाद ये चेयरमैन को दी जाएगी और चेयरमैन जो है उसके मुताबिक फिर आगे से फर्दर उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जैसा कि हम 1961 ऑर्डिनेंस में देखा कि वो उसको दे के दोनों पार्टीज के नुमाइंदान को बुलाएगा, उसके बाद उसमें फाइनल डिसीजन करेगा। अब इसमें मजीद चीज बताई गई है, वाइफ डिमांडिंग सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ खुला शुड रिटर्न टू हस्बैंड एनी टेंजिबल रिटर्नेबल बेनिफिट्स कन्फर्ड ऑन हर बाय द हस्बैंड। आप इसमें आप कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, वह वो उसका मनी की सूरत में है, प्रॉपर्टी की सूरत में है, जो भी सूरत हाल होगी वो दे सकती है। और अगर वो हक महर है तो अगर वो कहती है कि वो हक महर का कुछ हिस्सा छोड़ना चाहती है तो वो भी छोड़ सकती है, अगर वो पूरा हक महर छोड़ना चाहती है फिर भी छोड़ सकती है, कि मुझे किसी तरीके से जो वो कहे कि मैं किसी भी कोई भी ऐसा तरीका हो जिस तरीके से इनसे अलहदा हो जाए तो हो सकती है। और मुबारात है, मुबारात में भी ये चीज़ है कि शादी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, क्या होगा, बाय द एग्रीमेंट ऑफ बोथ स्पाउस। अब दोनों स्पाउसेस जो हैं, दोनों फरीकान जो हैं, उनके एग्रीमेंट के बाद, दोनों की रजामंदी के बाद शादी जो है डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये जो है मुबारात के जरिए शादी जो है हो गई है, डिजॉल्व हो गई है। अब इसमें जो है हनफी ला जो है खुला के बारे में ये है, हनफी ला इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, जज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर टू डिसॉल्व मैरिज बाय खुला। अब इसमें क्या है कि जो खुला की जज के पास जो है पावर्स हैं कि वो खुद से भी इसको जो है डिसॉल्व कर सकता है, अगर आदमी जो है वो ताउन नहीं करता या किसी किस्म का वो कहता है कि भाई मैं इसमें रजामंद नहीं या मैं देना नहीं चाहता, वो बहाने बनाता है या रुपोश हो जाता है या नोटिस की पैरवी नहीं करता, ये कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है कि वो उसको उसका मेन मकसद ये है कि मैं औरत को किसी तरीके से परेशान करूँ ताकि खुला हासिल ना कर सके, तो ऐसी सूरत में ये है कि कोर्ट जो है वो अपने तौर पर ही जब देखती है नोटिस, अखबार, इश्तहार और जो भी मुतलका ज़राए होते हैं उनके ज़रिए जब शोहर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है, उसके बाद जब कोर्ट देखती है कि जो शोहर है अखबार इश्तहार या नोटिस या टेलीग्राम जो भी सूरत हाल थी प्रॉपर उसको कन्वे किया गया लेकिन वो नहीं आया, तो उसमें जो कोर्ट है फिर औरत के हक में डिसाइड कर देती है। और खुला का जब एक दफ़ा डिसीजन हो जाएगा उसके बाद उसके खिलाफ किसी किस्म की अपील नहीं होगी, ना ही वो बाद में शोहर आके ये कह सकता है कि मुझे पता नहीं चला लिहाजा मैं जो है इसमें तो अपील करूँ या मैं फर्दर किसी हायर अथॉरिटी के पास जाऊँ। खुला का जब एक दफ़ा डिसीजन हो जाएगा फाइनल प्रॉपर जो कोर्ट है प्रॉपर नोटिस वगैरह करने के बाद जब फाइनल डिसीजन दे देती है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होती, ना ही कोई अपील होगी। तो इससे हम क्या समझते हैं कि खुला जो है वो अपीलेबल नहीं है, इसमें किसी किस्म की अपील नहीं हो सकती, लिहाजा खुला का जो डिसीजन है वो फाइनल है। अब इसमें मेन जो चीज़ बताई गई है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला बाय एग्रीमेंट बोथ स्पाउस डिड नॉट स्ट्रिक्टली फॉल अंडर सेक्शन 7(1)। अब ये स्ट्रिक्टली तौर पर सेक्शन 7(1) में फॉल नहीं करता, बट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। लेकिन 1961 ऑर्डिनेंस के तहत का सेक्शन 8 जो है 1961 ऑर्डिनेंस का वो कहता है कि सच खुला वॉज नॉट रिवोकेबल। अब इस किस्म का जो खुला होगी वो रिवोकेबल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और रिवोकेशन टू चेयरमैन एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग एंड इशू ऑफ कैंसिलेशन सर्टिफिकेट बाय हिम वाज विदाउट कॉम्पिटेंसी एंड विदाउट लॉ फॉर अथॉरिटी डाउट अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 8 रीड विद सेक्शन 7(3) वाज टू बी रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ इंटरप्रिटेशन विच वॉज इन अकॉर्ड विद एन एडवांस इस्लामिक लॉ एंड फिलोसफी। अब अगर कोई शख्स ये कहता है सेक्शन 1961 का जो सेक्शन 8 है उसके तहत दिया जाता है और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और रिवोकेशन इनके चेयरमैन को एप्लीकेशन दी जाती है कि इसको रिमूव किया जाए, कैंसिलेशन किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का खुला और मुबारक का टॉपिक, तो जिसमें हमने ब्रीफली आपको बताया कि खुला क्या चीज़ है, मुबारक क्या चीज़ है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Thank you, Allah.